आज नॉर्मल यूट्यूब लाइव मैं जो करता हूँ अपने ऑफिस से, आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ डायरेक्टली फ्रॉम द कैंपस। कैंपस लाइफ करने का मेरा कंसेप्ट बहुत पुराना था, बट बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग कई जगह कैंपस विजिट नहीं कर पाए। बट आज जैसा कि मैं, ये शायद मेरा पहला कैंपस लाइव हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता था बच्चे, पेरेंट्स जो बांग्लादेश पढ़ने आ रहे हैं या मेडिकल कॉलेज ऑफ बांग्लादेश के बारे में ज्यादा डिटेल्स में जानना चाह रहे हैं, उनको मैं वो पर्सपेक्टिव दे सकूं, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव की जरूरत बहुत ज्यादा है बच्चों और पेरेंट्स में। क्योंकि नेगेटिविटी जितनी फैलाई गई है रिलेटेड टू मेडिकल एजुकेशन ऑफ बांग्लादेश और कुछ तो अबाउट द कंट्री, ये काफी मुश्किल है एक बार में जा पाना, अंटिल अनलेस आप उसको डिटेल में समझे। जो भी पेरेंट्स और बच्चे हमारे थ्रू बांग्लादेश में पढ़ने आते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जब वो चले जाते हैं, कि भाई आप जिस भी कॉलेज में वो गए हो, उन कैसा रहा आपका, मतलब जो आपने सोचा था क्या वैसा है या उसे खराब है, सब बोलते हैं सर हम तो किसी और कंट्री के लिए सोच के ही रखे थे। बहुत प्रॉब्लम हुआ था जब बांग्लादेश में जाने का डिसीजन लेना पड़ा, बट अभी जब हम देख रहे हैं कि हमने ये डिसीजन ली है तो ये बहुत ही सही डिसीजन हमने लिया। क्यों, फिर मैं उनसे डिटेल्स पूछता हूँ और ये सारी चीजों को मैं समझता हूँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ अपने इस YouTube के माध्यम से आप लोगों तक वो पहुंचाऊं कि भाई जो बच्चे, जो पेरेंट्स मेडिकल एजुकेशन के लिए इंडिया में नीट का एग्जाम देते हैं, इंडिया में बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाने की वजह से वापस एक साल ड्रॉप करते हैं, कई तो कई साल ड्रॉप करते हैं, बट फिर भी इंडिया में इतनी हाई कंपटीशन है, 17 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 8 लाख बच्चे के आसपास पास कर रहे हैं, उनमें से 80 हजार बच्चों के लिए मेडिकल सीट है। उस भी 80 हजार में देखा जाए तो 40-45 हजार बच्चों को तो अफोर्डेबिलिटी के रेंज में नहीं आता, प्लस जनरल कैटेगरी अगर बच्चा हो तो फिर और भी कई मुश्किलें सामने आती है। तो आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ लाइव फ्रॉम वन ऑफ द कॉलेज कैंपस इन बांग्लादेश, ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का, शायद उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं उसके रूफ टॉप से आज लाइव कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी जहां भी जा रहा हूँ यहाँ पर लोग हैं, आवाज हो रही, तो मैं आज रूफ टॉप में बैठ करके यहीं से लाइव करने का मैंने सोचा। ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज के कैंपस के रूफ टॉप से आज लाइव की जाए, थोड़ा सा इनफॉर्मल लग सकता है, बट मैं इस रूफ टॉप से आपको जो चीजें दिखा सकता हूँ और जो आप चीजों को बता सकता हूँ, मेरे ख्याल से और कोई मुझे पोजिशन नहीं मिला। रूम के चार दीवार रूम में बैठ करके मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन तो जरूर शेयर करता हूँ, बट ये जो पर्सपेक्टिव है एक कॉलेज का, एक अच्छा कॉलेज होने का पर्सपेक्टिव है, ये मैं आपको तब तक नहीं दिखा पाऊंगा जब तक मैं आपको सच में कैंपस का पर्सपेक्टिव नहीं देखो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पीछे में अभी जिस रूफ टॉप पे हूँ, मेरे ऊपर जो छत पे जो खड़ा हूँ, इसके पीछे जो पूरा का पूरा ये जो छत का एरिया है, ये पूरा इस कॉलेज का, ये 5-6 फ्लोर का स्टोरी बिल्डिंग है और ये बहुत ही बड़ा एक कैंपस का पहला बिल्डिंग है। ये क्लासरूम वगैरह सब इसी इसी के नीचे है, क्लासरूम और हॉस्पिटल। इसके अलावा जो ये देखिए, एक हाईवे के ऊपर में ही है, अगर आप देखेंगे एकदम एक हाईवे है जहाँ से बड़े बड़े बसेस, ट्रेन, ट्रक सारे, आपको इवन कोलकाता से आगरतला जाने का जो रास्ता है यही रास्ता है। तो यहाँ पर ये कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट में वन ऑफ द, बोल सकते हैं कि ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में मैं कल रात को आया था। एक्चुअली चेयरमैन सर ने मुझे इनवाइट किया विजय दिवस के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, तो विजय दिवस के जब प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ, मुझे मैं फर्स्ट टाइम था कि मैं जो इंडिपेंडेंस डे बांग्लादेश, विजय दिवस जिसको हम लोग इंडिया में भी सेलिब्रेट करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मैं आपको लिटरली बताऊं, मुझे लग रहा था वो सारे गाने, वो सारे संगीत, वो सारी प्रोग्राम जो इंडिया में या वेस्ट बंगाल में बंगाली सॉन्ग्स और बंगाली जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनको याद करके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पर मिली और मुझे तो लग रहा था जैसे मैं इंडिया के ही किसी इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन प्रोग्राम में हूँ। और क्योंकि सारे म्यूजिक प्रोग्राम्स, तरीका उनका, तो ये कल्चरली जो सिमिलैरिटी है इंडिया और बांग्लादेश की, ये मुझे कल बहुत अच्छे से दिखी। इसके अलावा बच्चों के अलग अलग शोज हुए हैं, फैशन शो, सॉन्ग, म्यूजिक, इस पे भी मैंने कल लाइव किया था और कुछ वीडियोज में अपलोड भी कर दूंगा। बट ये सब क्या मैटर करता है, क्या मैटर करता है ये सब मेडिकल एजुकेशन में, ये सारे फैशन और ये सब चीजों से क्या मेडिकल एजुकेशन हासिल की जा सकती है? तो सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा, देखिए ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में मैंने एक चीज रियलाइज की कि अनलाइक मेनी मेडिकल कॉलेजेस इन बांग्लादेश, ये एक ऐसा कॉलेज है जहां पर बच्चों को एक प्रॉपर कैंपस का एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, जो कि शायद
बांग्लादेश के कई कॉलेजेस नहीं दे पाते। मैं पढ़ाई और परस्पेक्ट पढ़ाई और पेशेंट के परस्पेक्टिव से ये चीजें नहीं बता रहा हूँ, मैं इस परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि एक एक बड़ा सा परिवार बनाया जा रहा है जहां पर सारे बच्चे साथ रह रहे हैं। रात 11 बजे तक प्रोग्राम चली, मेरे मुझे नहीं लगता ढाका के सिटी में कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर इस तरह का कोई भी प्रोग्राम पॉसिबल भी हो। बट ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज मैं इसीलिए वन ऑफ द टॉप कॉलेज मानता हूँ बांग्लादेश का, क्योंकि यहाँ से पढ़ाई लिखाई के अलावा जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जिसके थ्रू बच्चे अपना पूरा मेडिकल एजुकेशन हासिल करते हैं, प्लस एज अ गुड पर्सन मैंने एक अच्छा इंसान बन करके निकलते हैं। उसके लिए उसके टीम वर्क की बात कर लीजिए या कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टूडेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। चलिए बात करते करते मैं आपको एक पीछे का अपना नजारा दिखाता हूँ। ये जो है ये कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल है, आप अगर पीछे देखेंगे ये गर्ल्स हॉस्टल है, और उसके बगल में इनका गर्ल्स हॉस्टल का अलग से पीछे प्लेग्राउंड वगैरह सब कुछ है, और उस पेड़ के पीछे बॉयज हॉस्टल है, उसके बगल में एक वॉलीबॉल को बास्केटबॉल वॉलीबॉल कोर्ट वगैरह सब कुछ ही है। तो ये कॉलेज के बिल्डिंग के ऊपर से मैं अभी लाइव कर रहा हूँ, और आप देखिए कॉलेज कैंपस के पीछे जो हॉस्टल है ना, ढाका के कई कॉलेजेस इनके हॉस्टल से भी छोटे। जस्ट मैं हॉस्टल के पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूँ कि भाई कितनी सुंदर और कितनी बड़ी जगह पर ये कॉलेज को बनाया गया है। और यहीं पर कल नीचे में एक प्रोग्राम हो रही थी, ये शांति सुनीति हॉल बोला जाता है, और मेजर घनी हॉल लड़कों का हॉस्टल है। तो ये दो बिल्डिंग है, एक बॉयज हॉस्टल एक गर्ल्स हॉस्टल, और कॉलेज के ऊपर पे मैं कॉलेज की बिल्डिंग के छत पे मैं खड़ा होकर के अभी लाइव कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे या पेरेंट्स या कभी कोई कॉलेज के किसी स्पेशल गेस्ट को आने के लिए आते हैं तो उनके लिए एक गेस्ट रूम बनाया गया, उसी में मैं कल रात को रुका था। तो मैं आता हूँ अब पढ़ाई लिखाई और अलग पर्सपेक्टिव के ऊपर। देखिए ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में हमारे कई बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनके फीडबैक जब मैं लेता हूँ तो उनको लगता है ये एक मेडिकल स्कूल, जो प्रॉपर मेडिकल स्कूल बोला जाता है, ये शायद बांग्लादेश में सिर्फ कुछ कॉलेज ही दे पाते हैं जिसमें ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द कॉलेज है। मेडिकल स्कूल किस हिसाब से, यहाँ पर एक कैंपस के अंदर हॉस्पिटल, उसी में मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल जो कि सेपरेट है, प्ले ग्राउंड, एरिना, सुंदर सा गार्डन, सुंदर से कैंपस के अंदर जो जो चीजें होनी चाहिए फॉर ग्रोथ एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट, जिससे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके, ये सारी चीजें आपको इस एक कैंपस के अंदर मिल जाती है। पूरा का पूरा कैंपस जो है सीसीटीवी एंड एरिया के अंदर आता है, तो मतलब पूरी सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह सब कुछ है। सिटी से मतलब यहाँ बगल में कुमिल्ला सिटी है, आधे घंटे का रास्ता है, जो कि वन ऑफ द मेजर हब है, और कहा जाता है कि कुमिल्ला सिटी एक जमाने में कैपिटल भी हुआ करता था पूरे त्रिपुरा का, जो कि अब त्रिपुरा तो इंडिया के साइड में चला गया। यहाँ पर यहाँ से इंडिया का बॉर्डर 2 घंटे का रास्ता है, मतलब अगर मैं 2 घंटे में अभी यहाँ से निकलूँ तो 2 घंटे 2 घंटे भी नहीं लगे मेरे ख्याल से, 1.5 घंटे में मैं अभी पहुंच सकता हूँ इंडिया अगरतला। तो अगर आप देखें ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का तो एक और भी पर्सपेक्टिव है कि एक इंडिया कैंपस इंडिया से एकदम नजदीक है। और पढ़ाई के मामले में आते हैं, देखिए 650 बेडेड हॉस्पिटल है जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूँ, ये 650 बेड का हॉस्पिटल है। आपने अगर थंबनेल या कुछ फोटोग्राफ्स मैं शेयर कर दूंगा, या आप ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज गूगल पे भी सर्च करिए, हमारे पहले के भी वीडियोस देखिएगा तो आपको दिखेगी कि ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का जो कैंपस है मतलब काफी वाइड स्प्रेड तो है ही, और इसमें जो हॉस्पिटल है ना, ये कल रात को मैं रुका था 11-12 बजे तक पेशेंट्स आ रहे थे, हॉस्पिटल बेड्स में पेशेंट थे, और इन पेशेंट्स के लिए ऑलमोस्ट कल 70+ इंटर्नी डॉक्टर अभी कैंपस में रह करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी एक कैंपस के अंदर आपकी पढ़ाई भी हो रही है, इसी एक कैंपस के अंदर आपका ग्रोथ हो रहा है एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट, फोर्थ ईयर स्टूडेंट, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, और कुछ फैकल्टीज भी इस कैंपस में रहते हैं। तो ये क्या है कि रात को मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा शायद कहीं और मैंने देखा नहीं है, जो कैंपस के अंदर पढ़ाई होती है ना वो एक अलग ही आपको पर्सपेक्टिव देती है। क्यों देती है, क्योंकि रात को भी अगर कोई अचानक से कोई इमरजेंसी केस आ गया, तो अचानक से अगर इमरजेंसी केस भी आए तो भी बच्चे हैं अपने हॉस्टल से निकले रात को आए, टीचर्स भी रहते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स रहते हैं, उनके साथ बैठ करके उस केस को समझते हैं, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप एक कैंपस के अंदर रहते हैं। ये चीज ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में ही पॉसिबल है, बांग्लादेश में और किसी कॉलेज में पॉसिबल खास है नहीं।
कैंपस स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। इसके अलावा पेशेंट फ्लो, क्योंकि सिटी के एकदम हाफ एन आवर डिस्टेंस में जितने भी टॉप फैकल्टीज है, टॉप डॉक्टर्स है, सारे के सारे ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज के वन ऑफ द या तो ट्रस्टी मेंबर है, या तो एचओडी है, या तो एसोसिएट प्रोफेसर है, कुछ विजिटिंग प्रोफेसर है। तो ये एक जो सिटी है, एक बहुत ही रिच हेरिटेज है इस सिटी का, कुमिल्ला सिटी का। कुमिल्ला सिटी का तो इतिहास अगर आप पढ़े तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा। ब्रिटिश से लेकर के मुगल के समय से इस शहर का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। और कहा जाता है कि बांग्लादेश के जितने भी बुद्धिजीवी, मतलब जितने भी लोग जो एक कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें से मेजोरिटी जो है आपका कुमिल्ला से रहे हैं। और कुमिल्ला सिटी में पढ़ाई वगैरह उसको लेकर के जो एक पॉजिटिव अप्रोच रहता है ना, वो काफी हाई क्लास है। और मैं खुद भी देखा हूँ, यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ कुमिल्ला, मेडिकल एजुकेशन के अलावा भी कई सारे एजुकेशन के लिए यहाँ पर लोग बच्चे पढ़ने आते हैं। इवन ढाका के बच्चे कुमिल्ला पढ़ने आते हैं फॉर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी, गुड एजुकेशन। मैं यहाँ पर देखा हूँ, बात करते करते देखिए कॉलेज का जो गेट है, गेट के ऑपोजिट में आपको कई सारे फार्मेसीज की दुकान, फार्मेसीज मिल जाएगी। और ये हाईवे पे है, यहाँ से गेट की एंट्री होती है। देखिए कॉलेजेस के सामने लोग काफी वेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, कुछ लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, और ये सब कुछ इधर पर ही हो रहा है। ये कैंपस लाइफ में होने के कारण बहुत ही डिसिप्लिन्ड नेट कैंपस है। कोई भी अगर पेरेंट ये कैंपस विजिट करता है तो मुझे नहीं लगता वो किसी और कॉलेज के बारे में सोचेगा भी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये कॉलेज, इस कॉलेज में सीट्स इतनी जल्दी भर जाती है कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं, 2022 नीट के पहले से ही अभी यहाँ पर सीट भरने शुरू हो गए। हाँ, जो बच्चे को नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे उनकी बात अलग है, उनको तो रिफंड हो जाएगा। ये देखिए, मैं बात करते करते आपको नीचे कैंपस का एक टॉप व्यू भी दिखा देता हूँ। कॉलेज के बसेस वेट कर रहे हैं जहाँ से प्रोफेसर्स वगैरह आते हैं। आज तो यहाँ फ्राइडे है तो आज छुट्टी है, तो आज भीड़ कम है। बट नॉर्मल डेज में यहाँ पर इस समय पूरा पेशेंट, डॉक्टर्स, टीचर्स सबकी बहुत बड़ी एक क्राउड का हुजूम रहता है। तो जो कि मैं बोल रहा था कि कैंपस के अंदर सब कुछ होने के वजह से मेडिकल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से आपको एक डिसिप्लिन बिहेवियर, एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो जो चीजें चाहिए, सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना, टीचर्स का रिस्पेक्ट करना, पेशेंट को जस्ट पेशेंट ट्रीट जैसा ट्रीट ना समझना, उस पेशेंट को एक इंसान समझ करके उसको उसको ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके साथ एम्पथी को समझना, ये सारी चीजें एक जब आप कैंपस के अंदर रहते हैं तो आपको मिलती है। इस कैंपस में एंट्री करते ही आपको देखिएगा सामने में एटीएम, आपके एटीएम है वो बाहर में, आपका बस के बगल में एटीएम है। मतलब इवन पैसा निकालने के लिए भी बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ता। बगल में कैंटीन वगैरह सब कुछ, इंडियन कैंटीन, आपका वेस्टर्न कैंटीन, सब कुछ इस कैंपस के अंदर में। चलिए, इस साइड में थोड़ी आवाज हो रही है तो मैं तो कैंप उस तरफ जाता हूँ थोड़ा सा वॉक करते करते। तो जो मैं बता रहा था कि मेडिकल एजुकेशन जो हासिल करने के लिए बच्चे एक कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं, किसी भी कंट्री में कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले वो देखते हैं भाई बहुत ही सुंदर सा सिटी होना चाहिए, बहुत ही सुंदर सा कैंपस होना चाहिए। बट ये सब जितना मैटर करता है, उससे भी बड़ा मैटर जो करता है वो है कि बहुत ही अच्छा वहाँ का फैकल्टी नेटवर्क होना चाहिए। फैकल्टी नेटवर्क मतलब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन जिसको PSM भी बोलते हैं। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, ये आपको पढ़ाएगा कौन? ठीक है, कई लोग बोलते हैं, कई एक मैं बहुत पर्सपेक्टिव कल सीखा, और कुछ जब लास्ट 3 दिन से मैं बांग्लादेश में अलग अलग कॉलेज में जा रहा हूँ, स्पेशली विजय दिवस बोल करके मैं 2-3 कैंपस में इनवाइटेड था एज एन इंडियन गेस्ट। तो मैं वहां पर पुराने अपने बच्चों से भी मिला, वो सब वीडियोज भी अगर हो सकेगी मैं पोस्ट करूंगा, जो दोज आर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बट मैं चाहूंगा कि देखिए आज के जमाने में जो दिखा पाता है कि भाई वो क्या करता है, उन्हीं का रिस्पेक्ट रह गया है। इसीलिए मैं शायद ये कैंपस विजिट वगैरह मैं तो करता हूँ, सालों से रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब चीजें कभी भी लाइव करके या शो ऑफ करके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता था। बट मुझे लगता है कि आज के जमाने में जिस तरह से कंसल्टेंट फैटर्निटी में गलत इंसान लोग घुस गए, कोई भी अपना नाम के आगे लगा देता है एजुकेशन कंसल्टेंट, 10 डिग्री लगा देता है और बोलता है कि वी आर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन कंसल्टेंट, ऐसे बोल करके वो
बच्चों को भेज देता है, बट उनके खुद के पासपोर्ट में कभी एक स्टैम्प तक नहीं लगा हुआ है, किसी कंट्री का वीजा नहीं लगा हुआ है। अभी खुद को क्लेम करने वाले कि भाई हम बांग्लादेश के बहुत बड़े एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, खुद का आज तक बांग्लादेश देखने भी नहीं आया कि यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या है और वो प्रॉब्लम्स होगी तो उनको सॉल्व कैसे की जाएगी। देखिए, मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मैं जहां भी जो भी काम करता हूँ ये परफेक्ट होता है। हर कॉलेज, हर कैंपस, हर जगह, हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, भले वो इंडिया के कॉलेजेस हो, चाहे बांग्लादेश के कॉलेज हो, चाहे जहां के भी कॉलेज हो। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसको फेस करने के लिए आपको स्किल सेट चाहिए, वो जरूरत जो है एक कंसल्टेंट की, एक बच्चों के लिए। बच्चों को मेडिकल एजुकेशन में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, दूसरी कंट्रीज में आते हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट का बहुत बड़ा रोल आता है, और कुछ कंट्रीज में तो रोल और बढ़ जाता है। इसीलिए शायद एग्रीमेंट भी जब होती है बच्चों के एजुकेशन और फीस की, तो थ्री पार्टी एग्रीमेंट होती है कई कंट्रीज में, जैसे कि रशिया, यूक्रेन में, जहां पर बच्चे, कॉलेज की यूनिवर्सिटी और कंसल्टेंट तीनों के बीच एक एग्रीमेंट होती है रिगार्डिंग फाइनेंशियल्स, रिगार्डिंग द सर्विसेज दे विल बी प्रोवाइडिंग। बट ऐसा बांग्लादेश में नहीं होता, क्योंकि बांग्लादेश का जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें इंटरनेशनल बच्चों को लिया जाता है, इंटरनेशनल बच्चे यहाँ पर फॉरेन कोटा में एडमिशन लेते हैं, नॉट एज अ फॉरेनर्स के लिए अलग से बैच नहीं चलती। मतलब ये जो कैंपस में आप देख रहे हैं, हॉस्टल हो, कॉलेज का कैंपस हो, ये क्लासरूम, ये सारे बच्चों के लिए कॉमन है। मतलब यहाँ पर अगर कोई प्रोग्राम भी होता है, भले यहाँ का सेलिब्रेशन हो, यहाँ का इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो, दिवाली मनाई जाए, दशहरा मनाया जाए, ईद मनाया जाए, यहाँ पर कोई भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि इस प्रोग्राम में इंडियन बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उस प्रोग्राम में इंटरनेशनल बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सारा पार्टिसिपेशन, सबको एज ए स्टूडेंट देखा जाता है, ना कि एज ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री, स्पेशली कॉलेज के कैंपस के अंदर। तो आपको ये समझना है, मैंने देखे है, मैं चाइना में भी कई कॉलेजेस में मैंने बच्चे भेजे थे, उस समय जब बच्चों का कोई प्रोग्राम होता था, जैसे दिवाली सेलिब्रेशन या कुछ भी, तो उसमें मैं देखता था कि देखिए, चाइनीज बच्चों का पूरा अलग दुनिया है और इंटरनेशनल बच्चों का पूरा अलग दुनिया हुआ करता था, एक्सेप्ट फ्यू सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस एंड ऑल। बट नॉर्मली इंडियन बच्चे और इंटरनेशनल बच्चों का उतना घुलना मिलना होता नहीं था। बस इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, ये बच्चे जो मेडिकल पढ़ने जाते थे या कोई कोर्स करने जाते थे, वही घुल मिल पाते थे, बट वहां के लोकल बच्चों के साथ कोई भी घुलना मिलना नहीं होता था। इसीलिए फैकल्टीज भी ना पढ़ाई में तो जरूर ध्यान देती थी, अच्छा से पढ़ा रही है, लेकिन जो पढ़ाई के बाद एक जो मेंटरशिप होती है ना, वो कोई दे ही नहीं पाता था। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये किसी कंट्री में पॉसिबल नहीं है तो बी द मेंटर ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि एक लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है, कल्चर एक बैरियर हो जाता है, और भी एक सबसे बड़ी चीज होती है कि जब इंटरनेशनल बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि भाई आप अलग हो, आपको जो पढ़ाई कराई जाएगी और आपको जो डिग्री दी जाएगी वो अलग होगी हमारे लोकल बच्चों से, तभी कॉलेज के अंदर जो टीचर्स होते हैं या फैकल्टीज होते हैं, उनके मन में भी कई तरह के डाउट आते हैं कि भाई इन बच्चों को बस पढ़ा करके पास करा के हमें भेजना है, हमें इन बच्चों को तो यहाँ इंडिया में, मतलब अपने कंट्री में रखना नहीं है, या हमारे कंट्री में ये कभी पेशेंट को टच नहीं करेंगे, कभी पेशेंट को ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो हमें क्या जरूरत है उन पे उतना दिमाग लगाने के, और जल्दी से उनको पढ़ाओ और पास करो, भेज दो। यही रीजन है कि जब वो बच्चे एफएमजी एग्जाम में अपीयर करते हैं, बड़े बड़े नंबर पे, एक ही कैंपस से 500-500 बच्चे, आप इमेजिन करिए एक कैंपस में 500 बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी एक क्लास में। मतलब अगर आप देखें, अगर 500-600 इंटेक है, मतलब एक कैंपस में 3600 डॉक्टर, 3600 डॉक्टर्स को लेकर के एक कॉलेज चलाना, ये तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा एक रिस्क है, मुझे नहीं लगता कैसे पॉसिबल है। 10-20 टीचर मिल करके एक पूरा का पूरा कॉलेज चला देते हैं, ये मे बी उनको डिग्री और एफएमजी एग्जाम पास करने के लिए इनफ हो सकता है, क्योंकि आज के जमाने में देखिए वीडियो लेक्चर्स के बेस पे ही पूरी 1.5 साल से पूरी एजुकेशन सिस्टम चल रही है। बट सबको पता है कि कोविड के समय जो एजुकेशन हासिल हो रही है, भले कॉलेज भी अपना पूरा पैसा ले रहा हो, स्कूल भी अपना पूरा पैसा लगता हो, लेकिन वो एजुकेशन कैन नॉट रिप्लेस द फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन या फिर जिसमें आप एक्चुअल पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, ये चीजें कभी भी रिप्लेस नहीं की जा सकती, स्पेशली मेडिकल एजुकेशन में। मेडिकल एजुकेशन किताबी नॉलेज नहीं है। मुझे नहीं पता किस तरह से कुछ कंट्रीज में 2-3 साल से बच्चे नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ कोविड, और वो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर चले गए, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर चले गए, विदाउट गिविंग एनी फिजिकल एग्जामिनेशन, विदाउट देम डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल क्लासेस। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई इनका जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो,
बच्चे के ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई हमारा जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो, तो दे डोंट प्रोटेस्ट इट कि भाई नहीं नहीं मेरा एग्जाम मत लीजिए, मुझे पास कर दीजिए। देखिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट कल मैं अपने यहाँ के बांग्लादेश में बच्चों से बात कर रहा था, कोविड एकदम पीक पे था तब भी दिसंबर में उन सबको आना पड़ा और एग्जाम देना पड़ा आफ्टर क्वारंटाइन। दिसंबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, जब कोविड पीक पे था तब भी बच्चे आए एग्जाम दिए पास किए, फिर दोबारा आए एग्जाम दिए पास किए। अभी तो पूरा कैंपस ओपन हो चुका है, अभी तो कल तो मैं आपको कल लाइव भी किया था, आप देखेंगे सारे कॉलेजेस के सारे बच्चे टीचर्स सब अभी यहाँ पर मिलजुल करके पढ़ाई भी कर रहे हैं। बट अभी भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर क्लासेस वगैरह भले बच्चे वहां उस कंट्री में पहुंच जा रहे हैं, बट वहां पर भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। कहने के लिए है कि भाई बच्चा मेरे घर से निकल गया, बच्चा तो उस कंट्री में है, कंट्री में जाके क्या कर रहा है कोई नहीं देखने वाला। ये सब चीजें शायद रीजन थी कि शायद एनएमसी बिल में कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड किए गए जो शायद कुछ फेवर में भी है इंडियन स्टूडेंट के या मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के, कुछ अगेंस्ट भी है क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता। जैसे कि मैं अभी बांग्लादेश के मेडिकल एजुकेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है, बट कंपेयर टू इंडिया के कई न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, बांग्लादेश का मेडिकल एजुकेशन इज वे अहेड। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए एक मैं जस्ट एग्जाम्पल देकर के आपको बताना चाहूंगा। मैं परसों कुछ बच्चों से मिल रहा था, मिला और उनसे बात किया, थर्ड ईयर के बच्चे थे और फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ मैं लेके बैठा हूँ। थर्ड ईयर बच्चों से मैं पूछा कि भाई आप लोग कैसा पढ़ाई कर रहे हो, कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बताओ। देखिए मेरे वीडियोस में हमेशा यही रहते हैं, मैं बच्चों से उनकी पढ़ाई के सवाल करता हूँ, यहाँ का खाना कैसा है। देखिए सीधी सी बात है, खाना पीना रहना ये सब तो एडजस्ट कर सकते हैं बच्चे। और दूसरी और सबसे यूनिक चीज है, इंडिया और बांग्लादेश का कल्चर ऑलमोस्ट सेम है, फूड हैबिट भी ऑलमोस्ट सेम है। अब सीधी सी बात है, इंडिया में कोलकाता और तमिलनाडु में भी आप जाएं तो फूड के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, तो सेम चीज बांग्लादेश में भी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बट दीज आर नॉट द मेजर इशूज, मेजर इशूज इज कि आप जब मेडिकल एजुकेशन हासिल करेंगे आप किस पे हासिल करेंगे, आपको ह्यूमन बॉडी को समझना है। ह्यूमन बॉडी में डेथ जो होती है, डेथ के बाद बॉडी क्या क्यों डिकम्पोज करती है, क्या होता है उस बॉडी में अंदर, कैसे आप पोस्टमार्टम के समय समझते हैं, ऑटोप्सी क्या होती है, किसी डेथ का रीजन समझना। जैसे मैं एग्जांपल जो आपको बता रहा था, मेरे एक स्टूडेंट ऑटोप्सी के समय बताएं कि 10-15 दिन उनको ऑटोप्सी के लिए आगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है जहां पर ऑटोप्सी होती है, और वहां पर जस्ट एक दिन पहले कोई बॉडी आई, मतलब एक दिन पहले किसी का डेथ हुआ है उसकी ऑटोप्सी आ रही है, उस ऑटोप्सी को उनको ऑब्जर्व करना है। उन कैडेवर नहीं है ये, कई बच्चों का कंट्री में, कई कंट्री में क्वेश्चन रहता है सर वहाँ कैडेवर प्रोवाइड की जाती है। देखिए कैडेवर एक फॉर्मूले में डूबा हुआ ह्यूमन बॉडी है जो कि 10 साल तक एक ही बॉडी को लेके पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। बट एक रियल बॉडी, एक रियल ह्यूमन बींग जो जो एक एक दिन पहले मरा हो, कोई ड्रॉनिंग का केस हो, 10 दिन से बॉडी डूबी हुई है, उस डूबे हुए बॉडी से फॉरेंसिक लैब में जाकर के उनको कट करके समझना कि इसको जो ये जो मर्डर हुआ था कि ये खुद से डूबा है, कि तरह तरह के पॉइजनिंग के केसेस आते हैं, स्नेक पॉइजनिंग के केसेस आते हैं। अब स्नेक पॉइजनिंग का केसेस तो ऐसी कंट्री में आएगी ना जहाँ पर स्नेक हो, तो ये सब मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेडिकल एजुकेशन का जो पर्सपेक्टिव है, जो डिजीज पैटर्न, टाइप ऑफ डेथ, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जब हॉस्पिटल में जो काफी कॉमन होते हैं, केरोसिन पॉइजनिंग, मैं मुझे आइडिया नहीं था कि केरोसिन पॉइजनिंग इंडिया में भी काफी कॉमन है और बांग्लादेश में भी काफी कॉमन है। कोई सुसाइडल सुसाइडल टेंडेंसी वाला, सुसाइडल केसेस जिसमें डेथ के बाद समझ में पता लगाना कि भाई सुसाइड था कि मर्डर था, स्ट्रैंगुलेशन, ये सब जो केसेस आपको समझने हैं, ये सब जो चीजें पढ़नी पड़ती है ना, ये आप प्लास्टिक की बॉडी में नहीं पढ़ सकते हो, इवन आप ये कैडवर में नहीं पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको एक्चुअल डेड पेशेंट जो एक दिन पहले मरा हो, 2 दिन पहले मरा हो, उस पे ऑटोप्सी के समय जो क्लासेस कराई जाती है ना, वो शायद मेरे ख्याल से किस कंट्री में होती मुझे नहीं पता, इंडिया में भी होती है, बांग्लादेश में होती है, नेपाल में भी मैंने देखा है, बट और किस कंट्री में हो सकती है आप मुझे बताइए ना। कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है, कोई कंसल्टेंट अगर ये वीडियो देख रहा है, कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, मुझे बताए कि क्या किसी और कंट्री में उनको ये सब चीजें मिली है, रियल डेड बॉडी जो 2 दिन पहले मरा हो उसका ऑटोप्सी करने के लिए उनको रखा गया हो, वो स्मेल, उस स्मेल के फीचर्स, स्मेल से समझना कि भाई इसका डेथ का रीजन क्या हो सकता है, ब्रेन खोल के देखना, उसमें स्टेन खोजना, लंग्स के सैंपल्स लेना, लीवर के सैंपल लेना, ये जो बॉडी के अलग अलग पार्ट को कट करके समझना, बहुत सारे पॉइंट्स मुझे बच्चों ने बताया, तो मैं मुझे सच में लगा कि मेडिकल एजुकेशन जो कई कंट्रीज में बच्चों को दी जाती है, बच्चों को शायद मैंने सब कंट्रीज में बच्चों को भेजे, उनको वो पर्सपेक्टिव कभी पता ही नहीं चला,
उनको कभी पता ही नहीं चला कि रियल ह्यूमन बॉडी को काटना, काट के समझना, उसके अंदर के पॉइंट्स को समझना, उसके एक्चुअल मसल, 2 दिन, 10 दिन पहले मरा हुआ बॉडी और 1 दिन पहले मरा हुआ बॉडी में डिफरेंस क्या होता है। फॉरेंसिक साइंस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 300 मार्क्स के FMG जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 40 क्वेश्चन फॉरेंसिक साइंस से आते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन से आते हैं। और फॉरेंसिक मेडिसिन के साथ साथ कम्युनिटी मेडिसिन में जा करके गांव में जाना, अलग अलग हॉस्पिटल्स, उप जिला के हॉस्पिटल्स में जाना और वहां जाके क्लासेस करना, वहां के हॉस्पिटल्स में जाके उस वहां के पेशेंट से इंटरेक्ट करना, पेशेंट से बात करना, वो सब टैबू सब्जेक्ट्स में, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड बात करना पेशेंट से। अब आप मुझे बताइए किस कंट्री में पॉसिबल है जहाँ पॉपुलेशन का प्रॉब्लम हो, तभी ना। आज इंडिया में भी पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, बांग्लादेश में भी हाई पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। तो एज अ डॉक्टर जब आप कम्युनिटी मेडिसिन प्रैक्टिस करते हो तो आपको जाना है वैसे हॉस्पिटल्स में, वहां पर पेशेंट्स आएंगे, वहां पर गांव के पेशेंट्स आएंगे, या उनसे बात करना है कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उनको किस तरह से समझाना है ये चीज, किस तरह से उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और भी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो जो चीजें भी यूज होती है वो सब चीजों के बारे में समझाना, उस टैबू से, टैबू को झेलना। इसमें आपको लगता है कि एक ऐसी कंट्री में हो सकता है जहाँ लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर हो जाए, ऐसी कंट्री में हो सकता है जहां का कल्चर इंडिया से मैच ना करे, क्योंकि ये सब जो आप पढ़ाई करते हैं यही तो वापस आकर के आपको इंडिया में इंप्लीमेंट करना है। अगर कोई डॉक्टर या अगर कोई एक्चुअली जो डॉक्टर बनना चाहता है वो इस वीडियो को अगर देख रहा है, मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा ये पर्सपेक्टिव को लेके डिस्कस करिए ना। आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो, मैं तो अभी बांग्लादेश में हूँ, मैं बांग्लादेश के कई कॉलेज विजिट किया, कुछ और भी कंट्रीज के मैं विजिट किया, तो वहां पर ये सब पर्सपेक्टिव नहीं पढ़ाई जाती है। वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड कम्युनिटी कम्युनिटी मेडिसिन में जा, कम्युनिटी में घुस करके पेशेंट से इंटरेक्ट करना, उनको बताना वहां पर क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ये सब चीजों को लेकर कोई डिस्कशन, कोई पॉइंट ही नहीं है। फॉरेंसिक मेडिसिन के जो कुछ केस लॉज होते हैं, मतलब कुछ लीगल एस्पेक्ट, क्योंकि जब आप कोई डेथ होता है उसमें आपको डेथ सर्टिफिकेट देने का भी एक डॉक्टर के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो डेथ क्या मर्डर था, वो एक्चुअल डेथ था, उसके लीगल एस्पेक्ट क्या है, IPC इंडियन पेनल कोड सेक्शन के अंदर में किस अंडर में आता है, ये काफी हद तक मुझे जो बच्चों ने बताया कि भाई बांग्लादेश पेनल कोड BPC और इंडियन पेनल कोड काफी हद तक कॉपी पेस्ट है, क्योंकि दोनों ही UK से डिराइव की हुई है, क्योंकि हम दोनों, हमारे कंट्री इंडिया और बांग्लादेश, हम सब एक ही थे, और ब्रिटिश के जाने के बाद कई सारी चीजें, लॉज अभी भी ब्रिटिश के समय से चली आ रही है और ज्यादा उनमें चेंजेस नहीं की गई है, तो जो पिनल कोड्स वगैरह होते हैं वो काफी हद तक सेम है अभी भी। तो ये आपको फॉरेंसिक मेडिसिन में आपको हेल्प करता है, डिजीज पैटर्न में आपको हेल्प करता है। जो डिजीज यहाँ पर है, डायबिटीज एक मेजर डिजीज है, ग्लोबली एक मेजर डिजीज है, डायबिटीज के समय क्या क्या अलग अलग उसके प्रॉब्लम्स आते हैं डायबिटीज के कारण, वो सारे डेथ ड्यू टू डायबिटीज, उसके लिए आपको वो पेशेंट जो दो दिन पर है, मेरे पहले मरा है, 2 दिन पहले किसी कारण से डेथ हुआ, ये सब तरह के पेशेंट को जब आप देखते हो ना, तब आपको जो पर्सपेक्टिव ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जो नॉलेज मिलती है ना, वो आपको कैडवर देख के नहीं होती। कैडवर तो एक ममीफाइड बॉडी हो गई, कैडवर इज इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट ईयर, इन सेकेंड ईयर कई कंट्री तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या वो भी नहीं दे पा रहे, प्लास्टिक बॉडीज में पढ़ा दे रहे हैं, बट कैडवर इज नॉट एवरीथिंग। कई बार मुझे बच्चे कॉल करते हैं, सर यहाँ पर इस कंट्री में कैडवर मिलता है, तो कैडवर तो क्या, एक डेड बॉडी फॉर्मलिन में डूबा हुआ, एक बॉडी 10 दिन 20 दिन चलेगा, बट एक्चुअल डेड बॉडी पे आपको टच करना, एक एक्चुअल डेड बॉडी को कट करना, एक एक्चुअल डेड बॉडी जो 2 दिन पहले मरा हो, 1 घंटा पहले मरा हो, जिसको अभी ऑटोप्सी करना है, ये सब केसेस, ड्राउनिंग का केस, स्नेक बाइट का केस, पॉइजनिंग का केस, ये सब केसेस में जो बॉडी आती है उसको समझना कि भाई इसके लीवर का कैसे सैंपल लेते हैं। जब बच्चों ने मुझे ये सारी चीजें बताई ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मुझे लगा कि नहीं मैंने एक सही काम किया, इनको बांग्लादेश के कई ऐसे कॉलेजेस में भेजे हैं जहाँ उनका बजट कम था, तो कॉलेज वॉज नॉट एट पार विद टॉप कॉलेजेस ऑफ बांग्लादेश, बट फिर भी वो बोल रहे हैं कि सर यहाँ का जो सबसे वर्स्ट कॉलेज में भी ये सारी जो पढ़ाई जाती है ना, ये सब वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में ले जाके पढ़ाते हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर क्लासेस होती है, बट जो ये मेजर क्लासेस होते हैं ना, ये सब जाके वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होती है, तो उनको मिल ही जाता है वो पर्सपेक्टिव। तो पढ़ाई के मामले में यहाँ का हर कॉलेज में जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए जो क्लासेस होती है ना, वो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हो रही है, तो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हो रही है तो आपको पता ही है गवर्नमेंट कॉलेज की पढ़ाई में उनको कितना सारा एडवांटेज मिलता है। तो यही मैं एक पर्सपेक्टिव बताना चाहता था आज लाइव इस ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज के कैंपस पे रह करके। जो 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं इंडिया में, वो सारे सब्जेक्ट्स कवर हुए। मैं ये भी बात किया मैं बच्चों से कि भाई आपका जो पर्सपेक्टिव
दिया जाता है कि मेडिकल एजुकेशन में 19 सब्जेक्ट्स हैं जो इंडिया में एग्जाम लिए जाएंगे। अभी रिसेंट जो गैजेट भी पास हुआ उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ आपको उसी कॉलेज में करना है जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करेंगे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, यहीं इस कैंपस में, जिस कैंपस में भी लाइव कर रहा हूँ, इसी कैंपस में इंटर्न करने वाले बच्चे भी रहते हैं, इसी कैंपस में फर्स्ट ईयर के बच्चे रहते हैं, इसी कैंपस में फिफ्थ ईयर के बच्चे रहते हैं। ये देखिए, मैं पीछे जो दिखा रहा था, एक वॉलीबॉल कोर्ट जो बॉयज हॉस्टल, सॉरी बास्केटबॉल कोर्ट जो बॉयज हॉस्टल के सामने में है। तो ये एक सिंगल कैंपस के अंदर हॉस्पिटल, कॉलेज, एवरीथिंग इज देयर। और यहीं इसी हॉस्पिटल में बच्चे अपना इंटर्नशिप भी करेंगे। सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश में इंटर्नशिप करने वाले ईयर में, मतलब 5 ईयर ही आपको फीस देनी है। नो अदर कंट्री, अगर इंटर्नशिप मैंडेटरी अगर हो रही है, नो अदर कंट्री विल टेक ओनली 5 ईयर। सबका 6th ईयर का फीस आपको देना ही पड़ेगा, बट बांग्लादेश में आपको 6th ईयर का कोई फीस नहीं देना। अगर आप हिडन कॉस्ट को कैलकुलेट करें ना, बांग्लादेश इज स्टिल चीपेस्ट टू स्टडी मेडिसिन। फर्स्ट ईयर में फीस थोड़ी ज्यादा लग जाती है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप जस्ट कुछ लाख रुपए बचाने के लिए, 2-4 लाख रुपए बचाने के लिए एजुकेशन के साथ एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज करें, जो यहाँ मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, थोड़ा बहुत यूपी साइड से भी और सदर्न स्टेट से भी ना, लोगों को एक फैसिनेटिंग नेम, टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाली कंट्रीज में जाना ज्यादा पसंद है। उनको जी भी इस कंट्री का नाम होना चाहिए, बड़े बड़े सुंदर बीच होने चाहिए, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग होनी चाहिए, तब ना हम बता सकते हैं कि मैं अब्रॉड जाके मेडिकल एजुकेशन क्या क्या हूँ। जो भी बच्चे बांग्लादेश पढ़ने जाते हैं ना, मतलब उनके पेरेंट्स को लगता है हम अपने रिश्तेदारों को कैसे बताएंगे कि भाई विदेश पढ़ने गया, वो भी बांग्लादेश पढ़ने गया। सीधी सी बात है, आप जब एक सोच में, मैं बार बार इसको बताता हूँ, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं टॉप स्कूल्स में, 2-2, 4-4 लाख रुपए ईयरली फीस देकर के आप स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उस समय आप नहीं सोचते कि चलो मैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा दूं जहां 500 रुपए फीस में पूरी साल पढ़ाई हो जाती है, 1000 रुपए फीस में पूरी साल पढ़ाई हो जाती है। आप क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आपको बच्चों को दिखाना है कि भाई आपको बेस्ट एजुकेशन चाहिए, बेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है। बट जब ये गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे निकलते हैं और नीट का एग्जाम देते हैं, तब आप जब कॉलेज का सिलेक्शन करने के लिए जाते हैं, तब आप कैसे कॉलेज सिलेक्ट करते हैं? तब आपको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्यों? उस समय आप क्यों नहीं बोलते कि हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल, खासकर मेडिकल के फील्ड में मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट होनी चाहिए? क्योंकि आपको ही पता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको पेशेंट्स मिलते हैं, और ये जो पेशेंट्स है ना, यही आपको हेल्प करते हैं टू बी अ गुड डॉक्टर। पेशेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यही रीजन है कि मेडिकल कॉलेज, जो जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हो जाए, जितने भी अच्छे अच्छे आपके टॉप फैकल्टीज हो, अगर पेशेंट्स नहीं होंगे ना, तो आपका एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगा। क्योंकि आप अगर किसी डिजीज को पढ़ाना चाहते हैं, आप किस पे पढ़ाएंगे? पेशेंट्स के ऊपर पढ़ाएंगे। अगर आप एक पर्टिकुलर डिजीज के पेशेंट का कंडीशन चेक करना चाहते हैं, जो 1 महीने से डॉक्टर पेशेंट आएगा उस हॉस्पिटल में, अभी उसको ये मेडिसिन दी गई, उसके 15 दिन बाद वो पेशेंट का क्या आउटकम रहा, ये सब चीजें आप कब देखेंगे? जब ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स होंगे, तो ज्यादा पेशेंट के लिए कंट्री ऐसी चूज करनी पड़ती है जहां पर हाई पॉपुलेशन हो, और इसीलिए ऐसे भी पेशेंट जिनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता हो, जैसे बांग्लादेश के कई कॉलेजेस हैं, कई क्या, ऑलमोस्ट हर प्राइवेट कॉलेजेस में भी 200, 250, 100 बेड ऑलमोस्ट गरीब पेशेंट्स के लिए फ्री रखे जाते हैं, ठीक है, या बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे रखा जाता है, 50 रुपीज, 100 रुपीज पर चार्जेस में आपको यहाँ पर पेशेंट बेड्स मिलते हैं। तो ये जब आपको मिलता है ना, तो आपको एक्चुअल वैसे पेशेंट्स पे पढ़ने का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो मेडिकल कॉलेज का जो सिलेक्शन है, इस पे आपको फिर से मैं 5 पॉइंट बताऊं, मैं बार बार बताता हूं कि ये 5 पॉइंट आप जरूर चेक करें। क्यों मैं ये और एक पॉइंट ऐड करता हूं, कई बार मैं, क्योंकि मैं मेडिकल एजुकेशन का काम करता हूं, कई कंट्रीज के लोग, कई कंट्रीज प्रमोट करने वाले लोग बोलते हैं ये मेरा कॉलेज है, इस कंट्री में पढ़ता है, इसका मेडिकल कॉलेज है, इसमें 10 लाख 15 लाख में पढ़ाई हो जाती है, आप हमें बच्चे भेजिए, मैं आपको कॉलेज का डिटेल भेजता हूँ। वो मुझे कॉलेज का सुंदर सुंदर फोटोज, क्लाइमेटिक कंडीशन, हॉस्टल की फोटोज, कॉलेज का कैंपस का फोटो, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त फोटोज भेजते हैं और फीस स्ट्रक्चर भेज देते हैं कि सर यहाँ पर बच्चे भेजिए, बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फिर मेरा रिप्लाई जाता है, मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट करके दिखाऊंगा, मैं ऐसे कम से कम 20 या 22
कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कंट्री के नाम में नहीं, सभी समझ रहे कौन सी कंट्रीज हो सकती है, इन सब कंट्रीज के जो टॉप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होते हैं ना, मतलब कि भाई ये कॉलेज हमारा है, हम इस कॉलेज को पूरा चलाते हैं, इस टाइप के जो चीजें क्लेम करते हैं, तो वो जब हमें मैसेज करते हैं कि भाई सर आप हमारे कॉलेज में बच्चे भेजिए, हमारे कॉलेज में आपका ऐसा ऐसा फैसिलिटीज है, ये है, इंडियन मील है, इंडियन मेस है, फिर मेरा रिप्लाई जाता है सर ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका सारा डिटेल्स, पहले मुझे तीन चीजें से भेजिए, मुझे मुझे आपके कॉलेज में बहुत अच्छा हॉस्टल है, बहुत ही जबरदस्त वाईफाई कनेक्शन है, बहुत ही जबरदस्त इंडियन कैंटीन है, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी लगी, बट मुझे तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप ये तीन इन्फॉर्मेशन मुझे भेजेंगे तो मैं आपके वहां पर 10-15 बच्चों का एडमिशन करा दूंगा एक दिन में। मैं उनसे बोलता हूँ क्या आप क्या मांगता हूँ, पहली चीज मैं मांगता हूँ सर आप अपने कॉलेज का, अपने जो पढ़ाई होगी वहाँ का करिकुलम भेजिए, मतलब वहाँ फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाएंगे, सेकंड ईयर में क्या पढ़ाएंगे, कितने आवर्स का प्रैक्टिकल क्लासेस होगा, कितने आवर्स का थ्योरी क्लासेस होगा, ये सारे डिटेल्स मुझे भेजिए, पहला मेरा क्वेश्चन रहता है, पूरा करिकुलम, वो भी गवर्नमेंट करिकुलम, ये नहीं कि आप अपने इंडिया से किसी का वेबसाइट से कॉपी करके मुझे भेज दिए और बोल दिया कि यही पढ़ाई जाती है, मुझे आप जो कॉलेज में पढ़ाई जाएगी उसका करिकुलम भेजिए। दूसरा मैं मांगता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाई जाएगी, जो पढ़ाएंगे कौन पढ़ाएंगे, टीचर्स पढ़ाएंगे, ये कौन टीचर्स हैं जो आपके हमारे बच्चों को, जिसको बच्चों को मैं भेजूंगा वो टीचर्स के डिटेल मुझे चाहिए, ये जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे, मैं जिस बच्चों को भेजूंगा आपके कॉलेज में, वहां के जो सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर्स का प्रोफाइल मैं लिंक्डइन में देख सकता हूँ, कई जगह पर देख सकता हूँ, मुझे वो फैकल्टी का लिस्ट भेज दीजिए कि एनाटॉमी कितने टीचर पढ़ाएंगे, फिजियोलॉजी कितने टीचर पढ़ाएंगे, उनका बैकग्राउंड क्या है, एचओडी कौन है, प्रोफेसर्स कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये तीसरी चीज, दूसरी चीज मुझे भेज दीजिए, भाई पहला हो गया करिकुलम, दूसरा हो गया आपका लिस्ट ऑफ द टीचर, और तीसरा मैं मांगता हूँ जो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में बच्चे पढ़ेंगे, जो कॉलेज के साथ अटैच है या बगल में है, दूर है, जो भी है, उस हॉस्पिटल का गूगल लिंक मुझे भेजिए, क्योंकि मैं उस हॉस्पिटल का रिव्यू देखना चाहता हूँ, उस हॉस्पिटल में कितने बेड का कितना बेड है, कितने पेशेंट्स आते हैं, क्या क्या डिजीज कॉमन है, ये तीन चीज अगर आप मुझे भेज देंगे मैं आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स भेजना शुरू कर दूंगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज तक मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं किया, ये पिछले 5 सालों से ये काम कर रहा हूँ, हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव मुझे आते हैं, बोलते हैं सर आप तो इतने बच्चे बांग्लादेश में भेजते हैं, आपके बहुत सारे बच्चे तो एलिजिबल नहीं होते होंगे बांग्लादेश के लिए, आप मुझे मेरे कॉलेज में बच्चे भेज दीजिए। मैं बोले ठीक है मैं आपको भेज दूंगा, बांग्लादेश, नेपाल, इजिप्ट में मेजरली बच्चे भेजता हूँ, क्योंकि इन तीन जगह मुझे आंसर मिली, लिस्ट ऑफ टीचर मिला, फैकल्टी का लिस्ट मिला, पेशेंट कैसी होती है, हॉस्पिटल का लिस्ट मिला, करिकुलम मिला, बट बाकी जगह पर ये चीजें नहीं मिली मुझे। तो जहां पर भी आप जाते हो यही तीन चीज तो आपको मांगना है, टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे उसको बिना जाने आप कैसे उस कंट्री में चले जाओगे, उस कॉलेज में चले जाओगे, पेशेंट्स जिस पे आप पढ़ाई करोगे पेशेंट्स के डिटेल, मतलब उस हॉस्पिटल में किस तरह का पेशेंट्स कॉमनली आता है, ये बिना जाने आप किस तरह से आप डिसाइड कर लोगे कि आप इस कॉलेज को सेलेक्ट करोगे एज योर मेडिकल एजुकेशन डेस्टिनेशन, और बिना ये समझे कि बुक्स कैसी होगी, करिकुलम कैसा होगा, कितना आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल होगा, किस तरह से एग्जाम्स होगी, ये सब बिना जाने आप कॉलेज चले जाओगे जस्ट बिकॉज दैट कंट्री, उस कॉलेज में हमारा कोई रिलेटिव गया है, मेरे गांव का एक बच्चा गया है, क्या यही सब मैटर करता है? तो आज मैं इस लाइव के साथ आप लोगों को यही बताना चाहता था कि मेडिकल एजुकेशन के ऊपर जो वीडियोज भर भर के यूट्यूब पे आ रहे हैं ना, कि मैं यहाँ एडमिशन कराता हूँ, मैं वहां एडमिशन कराता हूँ, मैं हर कंट्री में एडमिशन कराता हूँ, ये जो घपलेबाजी चल रही है, उनके पुराने वीडियोस, अगर एक साल पुराने वीडियोस खोल लो और आज के वीडियोस खोल लो, उनकी बातें पलट जाती है, जिस कंट्री को वो बोलते थे खराब है आज वो बोलते हैं अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कई कॉलेज बहुत पहले खराब थे अब अच्छे हो जाते हैं, बट क्यों वो खराब थे और क्यों आज वो अच्छे हैं? क्या वहां पर पेशेंट फ्लो बढ़ गया है? क्या वहां पर नए फैकल्टीज रिक्रूट किए गए? क्या उस कंट्री का करिकुलम चेंज हो गया जिससे अब इंडियन बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं? तो ये तीन चीजें आप जरूर देखें। इसके अलावा जो दो और मेजर चीजें हैं, लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन, किस लैंग्वेज में आपको मेडिकल एजुकेशन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बिना आप ये समझे कि आपकी लैंग्वेज क्या होगी मेडिकल एजुकेशन की, आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी? लैंग्वेज इज अ बिग थिंग। आप एक डिजीज को एक लैंग्वेज में सीखेंगे, फिर उसी डिजीज को दूसरे लैंग्वेज में सीखेंगे, एक और लैंग्वेज सिर्फ बातें करने के लिए नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे बंगाली यहाँ पर भी चलती है, पेशेंट से इंटरेक्ट करने के लिए आपको बंगाली जितनी अच्छी आएगी, हिंदी तो वैसे सबको आती है, फिर भी अगर आप बंगाली लैंग्वेज सीख लोगे तो आपका पेशेंट से इंटरेक्शन इंप्रूव हो जाएगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों का एक भी बंगाली क्लास नहीं लिया जाता, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर से बच्चे बंगाली गाना गाते हैं। कल मेरे कश्मीर का एक बच्चा था, वो स्टेज परफॉर्मेंस दे रहा था ऑन बंगाली सॉन्ग्स, ऑफ पीपल वर लाइक मतलब क्लैपिंग लाइक एनीथिंग। मैं वो वीडियो भी शेयर करूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियोस। तो
कश्मीर का बच्चा यहाँ पर आकर के बंगाली सॉन्ग विद दैट फ्लुएंसी गा रहा है विदाउट लर्निंग द लैंग्वेज की क्लासेस हुए हो बंगाली के, रिटेन वाइवा लिया गया बंगाली का एग्जाम का, ऐसा नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज इज ओनली फॉर स्पीकिंग पर्पज। यहाँ पर पेशेंट अपना प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा जाता है वो बंगाली में नहीं लिखा जाती है, दवा का नाम बंगाली में नहीं लिखा जाता, जो जो आपका डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आता है, कोविड रिपोर्ट मान लीजिए, ब्लड रिपोर्ट मान लीजिए, ईसीजी रिपोर्ट मान लीजिए, यहाँ पर कहीं भी बंगाली यूज नहीं होती, बंगाली फॉन्ट यूज नहीं होती है, बट कई कंट्रीज में पूरा का पूरा रिपोर्ट, एजुकेशन, एवरीथिंग इज इन देयर लोकल लैंग्वेज। अब बच्चे वहां भी एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट तो देखिए पढ़ने वाला बच्चा तो ऑनलाइन पढ़ करके भी अपना एग्जाम दे सकता है। अगर सच्ची बात बताऊं, अगर इंडियन गवर्नमेंट ये अपॉर्चुनिटी दे दे कि जो FMG एग्जाम है वो किसी भी कॉलेज में घर बैठ के भी बच्चा अगर पढ़ के देना चाहे दे सकता है, तो ऐसे भी बच्चे बहुत है इंडिया में जो घर बैठ करके वीडियो लेक्चर हासिल करके भी FMG एग्जाम निकाल लेंगे, बट क्या वो एक्चुअल डॉक्टर बन पाएंगे? क्या डॉक्टर बनने का मतलब सिर्फ FMG एग्जाम निकालना है? क्या FMG निकालने के बाद वो डॉक्टर जब बन जाता है उसके लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं होती? उनके स्ट्रगल का स्टोरीज मैं अगर आपके साथ शेयर करूंगा तो बच्चे डॉक्टर बनने से डरने लगेंगे, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन इज नॉट अबाउट गेटिंग द लाइसेंस टू प्रैक्टिस, इट्स अबाउट लर्निंग द एक्चुअल वेज टू ट्रीट द पेशेंट एंड होलिस्टिक अप्रोच ऑफ मेडिकल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कॉलेज का सिलेक्शन करें जहां पर ये सारे पर्सपेक्टिव कवर हो, ना कि सिर्फ इंडियन थाली मिलनी चाहिए, गुजराती थाली मिलनी चाहिए, राजस्थानी थाली मिलनी चाहिए, आपके गांव का बच्चा वहां पढ़ाई करने वाला होना चाहिए। ये सब पॉइंट पे बैठ करके जो मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 12 साल से इस फील्ड में हूँ, कई कंट्रीज में बच्चे भेजे, उन बच्चों का कोई खास भविष्य का ग्रोथ मैंने नहीं देखा। एक्सेप्शन हर जगह है बट एक इन जनरल आप जब देखोगे तो नहीं होता है, ऐसे ऐसे नहीं हो सकती है कि मेडिकल एजुकेशन के लिए आप बस पढ़ा खाने का ध्यान दो, आपका गांव का लड़का होना चाहिए, कंट्री फेमस होनी चाहिए, बस ये देखे ना पढ़ाई का पर्सपेक्टिव देखे ना कुछ। देखिए अभी बात करते करते अभी कई पेशेंट्स अभी कॉलेज कैंपस में एंटर कर रहे हैं, देखिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट अभी सुबह बैठते हैं तो शायद बच्चों को लेकर के भी लोग आ रहे हैं। ये कैंपस की एंट्री है, बाहर से कॉलेज कैसा दिखता है ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, बट अभी छत से मैंने आपको पूरा का पूरा कॉलेज, देखिए कॉलेज में सब डायग्नोस्टिक रिपोर्ट लेकर के एक ही तरह गाड़ी रुक रही है और लोग आ रहे हैं और अंदर डॉक्टर्स को दिखाने हैं, पेशेंट पेशेंट आ रहे जा रहे हैं। आज फ्राइडे है इसलिए पेशेंट्स लोग काफी कम है, क्योंकि कई यहाँ पर छुट्टी होती है की जगह। तो चलिए यही था आज का, ये पूरा लाइव होने का मतलब, लाइव होने का पर्सपेक्टिव, ये पूरा कैंपस का एक 360 व्यू भी मुझे दिखाना था, हॉस्टल मैंने आपको दिखाया, कैंपस लाइफ कैसी होती दिखाई, बट ये एक कॉलेज के पर्सपेक्टिव से मैंने नहीं बताया। मैं ये बताना चाहता था कि बांग्लादेश में मेडिकल एजुकेशन अगर आपको हासिल करनी है, बांग्लादेश में अगर आपको मेडिकल एजुकेशन हासिल करनी है, आप पहले कॉलेज कितना पुराना है, कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है, फैकल्टीज कितनी है, पेशेंट फ्लो कैसा है, हॉस्पिटल कितने बेड का है, इसके अलावा USMLE आप अगर देना चाहते हो फ्यूचर में तो कॉलेज का जरूर चेक कर ले, USMLE प्लैब और MMC ऑस्ट्रेलिया के लिए, इन सब के लिए वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, और ये सारी इंफॉर्मेशन हम देते हैं और साथ में बच्चों का 5 साल तक सपोर्ट देने के लिए आज यहाँ पर पहुंचते हैं। अभी कोई बच्चा यहाँ पर नहीं आया फिर भी हम आए हैं ताकि हमारे पुराने बच्चों से मिल सकें, किसी का वीजा रिन्यूअल का काम है, किसी का पुलिस रजिस्ट्रेशन मिसिंग था, किसी का MCI का कुछ इश्यूज था, तो ये सारी चीजें हमने कवर की। तो चलिए यही मेरी थी, एक एक सपना था कि आप लोगों को कॉलेज के कैंपस लाइव होकर के मैं कॉलेज दिखाऊं, और आज मैंने ये पहला लाइव इन इन द कैंपस किया। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मैं कोशिश करूंगा कि ये लाइव के साथ साथ मैं कॉलेज के अंदर घुस करके पर्सपेक्टिव दिखाऊं, लेकिन हर जगह वीडियो कैमरा अलाउड नहीं होता है क्योंकि हॉस्पिटल्स हैं, कई चीजें देखनी पड़ती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लाइव के लिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत रहेगा, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।